हेलो दोस्तों, तो स्वागत है का मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिम में। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो आप जरूर ऑन करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके और मैं आपके लिए इस तरह का एनिम लाता रहता हूं। तो आप बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एनिम को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपना हीरो लिंगफेंग डीमन को मार देता है और अब ये वाटर ऑफ लाइफ को गैदर कर रहा होता है। एपिसोड के स्टार्ट में लिंगफेंग कहता है वाटर ऑफ लाइफ तो यहाँ पे ड्राई हो चुका है, सिर्फ ट्री ऑफ लाइफ के पास ही ये वाटर ऑफ लाइफ कुछ बचा हुआ है। ट्री ऑफ लाइफ के सर्वाइवल के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है और कोई चारा ना होने के कारण लिंगफेंग ट्री ऑफ लाइफ के पास ही वाटर ऑफ लाइफ को गैदर करता है। लिंगफेंग ट्री गॉड का दिया हुआ लीफ निकालता है और इसका यूज कर वाटर ऑफ लाइफ को गैदर करने लगता है। अब जब इसको वाटर ऑफ लाइफ मिल जाता है फिर यहाँ से ये जाने का डिसाइड करता है। यहाँ इस वैली ऑफ लाइफ में लिंगफेंग सिर्फ वाटर ऑफ लाइफ के लिए ही आया था ताकि ये अपनी सिस्टर का पॉइजन को ठीक कर सके। लिंगफेंग अपने पेट ईगल को कहता है आओ चले यहाँ से, हम मो डियान के पास चलते हैं। अब लिंगफेंग अपने ईगल पे बैठ यहाँ से जाने लगता है। जब लिंगफेंग इस वैली ऑफ लाइफ से बाहर निकलता है फिर यहाँ बाहर में इसे कोई नहीं दिखता। यहाँ पे सिर्फ दो गाड़ी दिखते हैं जो कि सो रहे होते हैं, जबकि इन्हें यहाँ के सिचुएशन पे नजर रखने को कहा गया था। जब लिंगफेंग ये देखता है तो सोचता है ये ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं, फिर तो मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। ईगल कहता है मास्टर आप मेरे पीठ पे बैठकर कल्टीवेट कर सकते हो जब तक मैं फ्लाई कर रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं सियाउटियान आपको अच्छे से टियान वन सिटी पहुँचा दूंगा। ये सुनकर लिंगफेंग कहता है ठीक है और कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। जब लिंगफेंग मेडिटेट कर रहा होता है फिर इसे पहले से अपना फिनिक्स ब्लड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है। ये फील कर लिंगफेंग भी काफी सरप्राइज हो जाता है, इसे भी उम्मीद नहीं था कि इसका ब्लड लाइन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस डीमन के साथ फाइट करने के दौरान लिंगफेंग अपना ब्लड लाइन को काफी टाइम्स बर्न किया था और इस कारण से इसका ब्लड लाइन अब पहले से काफी बेहतर हो चुका है। इधर दूसरी ओर मोडियान के पास एक गार्ड आता है और आकर इसे अपना रिपोर्ट देता है। ये सुनकर मोडियान कहता है वैली ऑफ लाइफ में अब हलचल होना बंद हो चुका है। गार्ड बताता है कि वैली में अब किसी तरह का हलचल नहीं हो रहा, लगता है कि वहाँ पे फाइट खत्म हो चुका है। तो इस पर मोडियान पूछता है तो क्या तुमने किसी डीमन को वहाँ से बाहर निकलते हुए देखा था? ये गार्ड कहता है नहीं, मैंने इस तरह का कोई डीमन नहीं देखा है। फिर मिस सू पूछती है तो क्या तुमने लिंगफेंग को देखा वहाँ से बाहर आते हुए? क्या तुमने वैली में जाकर चेक किया वहाँ पे क्या हुआ था? इस पर गार्ड कहता है हम सोच रहे थे इस बारे में आपको लेटर लिखने को, मैं वैली ऑफ लाइफ में इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं गया था। ये सुनकर मोडियान निराश होता है, अब इस गार्ड को यहाँ से जाने को कहता है। फिर मोडियान मिस सू से कहता है चिंता मत करो, लिंगफेंग काफी स्ट्रांग है, वो जरूर ही वहाँ से बाहर निकल कर आएगा और अगर वो वहाँ पे मारा गया है फिर हम चाहकर भी उसका हेल्प नहीं कर सकेंगे, हम उतना स्ट्रांग नहीं है। अब सब कुछ टेंपल पे ही डिपेंड करता है, जब वो स्ट्रांग बंदों को भेजेंगे फिर हम कुछ कर सकेंगे, तब तक तो हमें वेट करना होगा। इतने में ही इन्हें काफी स्ट्रांग कोल्ड विंड फील होता है। ये फील कर मोडियान कहता है इतना स्ट्रांग कोल्ड विंड, क्या ये चैंग्विंग है, क्या इसने लेवल अप किया है? अब ये दोनों भागते हुए बाहर की ओर जाते हैं चेक करने के लिए। जब ये बाहर निकलते हैं फिर देखते हैं कोल्ड विंड के कारण सराउंडिंग पूरी तरह से फ्रीज हो रहा है। ये देख इनका भी सर हिल जाता है, ऐसा कैसे, इतना स्ट्रांग पावर। इतने में चैंग्विंग का मार्शल सोल बाहर आता है, ये एक ब्लू बर्ड होता है। इस बर्ड को देख के काफी हैरान होते हैं, इतना स्ट्रांग मार्शल सोल, ये कभी भी इमेजिन नहीं किए थे कि चैंग्विंग इस तरह के मार्शल सोल को डेवलप कर सकेगा। मोडियान बताता है कि मेरे फैमिली में मेरा बड़ा भाई था जो इतना पावरफुल मार्शल सोल स्पिरिट को डेवलप कर पाया था और अब उसके बाद ये चैंग्विंग ने कर दिखाया है और देखने में तो ऐसा लगता है कि इसके ब्लड लाइन का पावर इसके भाई से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इस मार्शल स्पिरिट के कलर को देखकर मोडियान कहता है ये तो पक्का है कि ये किंग लेवल का मार्शल स्पिरिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये काफी खुश हो जाता है और कहता है अब से मो क्लैन टियान वू किंगडम में राइज करेगा। अब ये सोचता है कि किस तरह का टेक्निक लिंगफेंग ने इसे दिया था और कुछ दिन में ही ये इस लेवल तक पहुंच गया। इतने में अंदर से चैंग्विंग बाहर आता है और कहता है मैंने किंग रैंक का मार्शल आर्ट को गैदर किया है। इस पे मिस सू कहती है मेरे भाई तुम इस पूरे टियान वू किंगडम में पक्का ही एक स्ट्रांग प्राउड मैन बनोगे, तब तुम्हें कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकेगा। मोडियान कहता है लगता है कि गॉड भी हमारे साइड है, तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, तुम्हारे टैलेंट से तुम शायद वुसेन टेंपल के मेन हॉल में भी जा सकोगे, वहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के टॉप पावर हाउसेस रहते हैं। अब चैंग्विंग बोलता है कि मैं मार्शल स्पिरिट को गैदर कर पाया इस कारण से कि लिंगफेंग ने मुझे जो इंस्क्रिप्शन दिया था वो काफी ज्यादा अच्छा था, मैं इस न्यूज को लिंगफेंग ब्रदर के साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, कहाँ है वो? ये सुनकर दोनों सैड हो जाते हैं और कहते हैं
वैली ऑफ लाइफ से अब तक लिंगफिंग बाहर नहीं आया है, शायद वो बच नहीं पाया। हम वेट कर रहे हैं वुसेन टेंपल के लोगों का आने का। जब वो आएंगे फिर हम उस वैली को जाकर एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये सुनकर ये भी हैरान हो जाता है और कहता है, लिंगफिंग काफी स्ट्रांग है और आप कह रहे हो कि वो बच नहीं पाया है, ये कैसे हो सकता है? मिस सू कहती है, ये सच है। इतने में एक गार्ड आता है और कहता है, मिस्टर लिंगफिंग आ चुके हैं। ये सुनकर अब ये सभी हैरान हो जाते हैं और दौड़े दौड़े लिंगफिंग की ओर जाते हैं। मिस सू लिंगफिंग को देख काफी खुश होती है और इसे गले लगाती है। बाकी भी इसे देख काफी खुश होते हैं कि लिंगफिंग अभी भी सही सलामत है। सभी यहाँ पे बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। मू रियान कहता है, जब मैंने सुना कि वहाँ पे एक डीमन अपीयर हुआ है फिर मैं काफी हैरान हुआ। मैं हेल्प करना चाहता था मगर मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं कोई हेल्प कर पाता और मैं चाहकर भी इस वैली में एंटर नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना लिंगफिंग। ये सुनकर लिंगफिंग कहता है, मोडियन आप खुद को ब्लेम मत करो इसके लिए, वो डीमन काफी पावरफुल था, बहुत कम ही लोग हैं जो उसे फाइट कर सकते हैं। फिर मोडियन पूछता है, तुम वहाँ पे बचे कैसे और हुआ क्या था वहाँ पे? इस पर लिंगफिंग कहता है, जब वो डीमन अपीयर हुई थी फिर वो अपने चार्म से सभी को वाटर ऑफ लाइफ का झांसा देकर अपनी ओर खींच रही थी, मगर मैं उसके चार्म में नहीं फंसा और बाकी को भी उसके चार्म से बाहर निकाला। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनिमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।